नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे के पूरे झारखंड के, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, झारखंड मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अभी जो है बदलाव नजर आ रहा है मौसम में। फरवरी में ही अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बढ़ोतरी के संकेत मिले, यह जानकारी रांची मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस कवीके में दर्ज किया गया सिमडेगा में। और यहां पर केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें जो है कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और कई जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा 2 दिन के दौरान। राज्य के दक्षिणी भाग में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में देखने को मिलेगा। शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में अधिकतम तापमान 1.8, जमशेदपुर का तापमान 0.8 और डाल्टनगंज में 2.1 के करीब दर्ज किया गया। वही दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो बढ़ोतरी कई जगहों पर दर्ज की जा रही है और यह मौसम बताया जा रहा है कि काफी गर्माहट के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि कई सालों के बाद दोस्तों जो है फरवरी में ही इतनी ज्यादा गर्मी जो है हमें देखने को मिल रही है और देश के विभिन्न राज्यों में इस बार दोस्तों गर्मी के रिकॉर्ड सारे टूटने वाले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हमें देखने को मिल सकती है। ताजा और लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक झारखंड में कई जगहों पर दोस्तों मौसम अभी ठंडा है, लेकिन बहुत ही जल्द आपके यहां पर भी गर्मी होगी। और वैसे ही जो है जैसे ही दोस्तों मार्च का महीना शुरू होगा, बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ने के आसार है और ठंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वही दोस्तों, लोहरदगा की बात किया तो रात के समय 17-18-19 तो दिन में 30-32 के करीब तापमान जाएगा। बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ पूरे एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। लातेहार में 16-17-18 रात के समय तो दिन में 30-32 के करीब तापमान जाएगा, बादल छाए रहेंगे। कोडरमा में 18-19-20 रात के समय तो दिन में 30-32 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहेंगे। खूंटी में 18-19-20 रात के समय तो दिन में 30-32 के करीब तापमान जाएगा, बादल छाए रहेंगे। जामताड़ा में 20-21-22 रात के समय तो दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहेंगे। हजारीबाग में 17-18-19 रात के समय तो दिन में 30-31 के करीब तापमान जाएगा, बादल छाए रहेंगे। गुमला में 16-17-18 रात के समय तो दिन में 30-32 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहेंगे। गोड्डा में 20-21-22 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा, बादल छाए रहेंगे। गिरिडीह में 19-20-21 रात के समय तो दिन में 32-33 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहेंगे। गढ़वा में 17-18-19 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहेंगे। पूर्वी सिंहभूम में 19-20-21 रात के समय तो दिन में 36-33 के करीब तापमान जाएगा। दुमका में 20-21-22 रात के समय तो दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा, बादल छाए रहेंगे। धनबाद में 19-20-21 रात के समय दिन में 34-35 के करीब तापमान जाएगा। देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत विभिन्न इलाकों पर मौसम ऐसा ही शुष्क और गर्म रहने के आसार है। तो यह आज का मौसम सिस्टम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।